दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हुए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जवानों की मौत पर पूरे देश को गुस्सा है। इसी बीच पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही जा रही है। ऐसे में अभी भी आतंकियों की तलाश जारी है, जिसके लिए सुरक्षा बल अनंतनाग में एक खास ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हेरोइन ड्रोन से लेकर पैरा कमांडो तक शामिल है। पहाड़ में छिपकर आतंकियों को मारने के लिए सुरक्षा बल अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सबकी कोशिश यही है कि ये आतंकी बच न पाए। इसी बीच जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि शुक्रवार तक उनका खात्मा कर दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार का भी इस पर बयान सामने आया है। उनका दावा है कि आतंकियों को घेर लिया गया है और शुक्रवार तक उनका खात्मा कर दिया जाएगा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि मैं हमारे अफसरों की बहादुरी को सलाम करता हूं। आज भी दोनों तरफ से कुछ गोलीबारी हुई है। हमारे जवानों ने अपनी पोजीशन ली हुई है और फायरिंग भी हो रही है। जिसमें इलाके में आतंकी छिपे हैं वह दुर्गम है, हालांकि वहां सुरक्षा बल की 10 टुकड़ियों ने उनको घेर लिया है, इसलिए आतंकी भाग नहीं पाए और वहीं फंस गए। वहीं इस मुठभेड़ को सामरिक त्रुटि के सवाल पर जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि टीम के पास विकल्प होता है, वह रिस्क ले या फिर वापस आ जाए। टीम ने यहां रिस्क लिया और बहादुरी दिखाई, हमें अपने अफसरों पर गर्व है। डीजीपी ने बताया कि हमने आतंकियों को घेर लिया है, हम कोशिश करेंगे कि शुक्रवार तक इस ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाए। वहीं एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि साल 2019 से अब तक 628 आतंकी मारे गए, इस साल 48 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें से अधिकतर पाकिस्तान के थे। इससे साफ है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद घुसपैठ फिर से बढ़ रहा है। आतंकी पहाड़ों पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमने इलाके को खाली कराया है। ताजा फायरिंग के बाद आतंकियों की पोजीशन का भी पता लगा लिया गया है, कल शुक्रवार तक उनको खत्म कर दिया जाएगा। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन में भारतीय सेना अपना वो हर हथियार इस्तेमाल कर रही है, जिसकी कल्पना आतंकवादियों ने कभी नहीं की होगी। जैसे सेना के जवानों को धोखे से मारने वाले आतंकियों की कब्र खोदने के लिए हेरोइन ड्रोन तैनात कर दिया गया है। लंबी दूरी की मिसाइलों और हथियारों से लैस हेरोइन मार्क टू ड्रोन लगातार 36 घंटे तक आसमान में चीन और पाकिस्तान की एक साथ निगरानी रख सकता है। अब दुनिया के इस खतरनाक ड्रोन को इस पहाड़ी की निगरानी के लिए तैनात किया गया है, जहां पर शहीदों के हथियारे छिपे हैं। अब यह ड्रोन कर्नल मनप्रीत को धोखे से मारने वाले कायर आतंकवादियों को ढूंढ रहा है। इतना ही नहीं, मेजर आशीष पर छिपकर वार करने वालों का दम निकालने के लिए पैरा कमांडो को भी टास्क दे दिया गया है। आपको बता दें कि पैरा कमांडो को स्पेशल और खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल यूनिट को इस पहाड़ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने का लक्ष्य दे दिया गया है। देखने वाली बात अब यह है कि कब आतंकवादियों को पकड़ा जाता है।